और मैं बहुत खुश हूँ कि यू नो राजश्री ने मुझे शो पर इनवाइट किया. ये बहुत ही पॉपुलर शो है. नकुल एंड दिशा अमेजिंगली यू नो यंग टैलेंटेड पीपल एंड टू इंटरेक्ट विद देम. अगर आप फिल्म भी देखोगे ये जवानी है दीवानी, इनके कैरेक्टर्स मेरे और नैना जो दीपिका प्ले अदा कर रही है उनके कैरेक्टर्स से मिलते जुलते हैं. एंड आई थिंक बहुत ही स्वीट स्क्रिप्ट था. इट वॉज अमेजिंग टू वर्क विद नकुल एंड दिशा एंड आई एम रियली हैप्पी कि यू नो इन्होंने मुझे बुलाया और इस एपिसोड का आधार किया. Of course, बिल्कुल नहीं हो सकता था. I'm very happy that Ranbir came on our set and he's shooting with us. It was really great working with you, seriously. In fact, ये idea मेरा नहीं था, ये idea बनी का ही था. And he said that you know we should have the birthday party done like this, so we said let's do it. बहुत पुराना दोस्त है और बहुत confused भी हो चुका था, तो मतलब इतनी तो मदद कर सकता हूँ. उसकी बीवी का पहला birthday, so पहली बीवी का पहला birthday. पता नहीं कितने आने वाले हैं. बिल्कुल किया. जब आप शो देखोगे तो आप आदि का बिंदास माइंड ब्लोइंग नाच देखोगे. बदतमीज वाला डांस, बदतमीज डांस किया मेरे साथ. एंड जैसे मैंने कहा था बहुत मज़ेदार शो है. इट्स लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ हार्ट इन इट. बहुत ही वार्म शो है. तो बहुत कुछ मस्ती की एंड आई होप कि द ऑडियंस लाइक्स इट. मेरा फेवरेट तो बदतमीजी है. मेरा बलम पिचकारी है, रियली लाइक. नो, आई लाइक बदतमीज. मेरा एक्चुअली बलम पिचकारी मुझे बहुत पसंद है. बदतमीज क्या है कि अभी इतना कुछ सुन लिया, अभी मैं पक चुका हूं. जहां भी जाता हूं वही गाना बजते रहता है आजकल. बट आई थिंक मेरा एक और फेवरेट गाना है वो इलाही. उसका प्रोमो अभी तक कटा नहीं है लेकिन म्यूजिक एल्बम है, फिल्म में आप देखोगे. वो मेरा फेवरेट. एंड दिल्ली वाली गर्ल, दिल्ली वाली भी अच्छा है बट मेरा फेवरेट इलाही है. मैंने एक्चुअली एक फिल्म की थी रॉकस्टार, उसमें वो फिल्म ही थी दर्द के बारे में. क्योंकि वो ऐसा सोचता था कि जब तक दर्द नहीं होगा, जब तक दिल नहीं टूटेगा तो अंदर से झनकार नहीं आएगी. बट आई थिंक प्यार का दर्द बहुत मीठा होता है. दर्द तो बहुत होता है बट आई थिंक दैट पेन इज़ प्राइसलेस. आई थिंक इज़ रियली गुड. रणबीर और मेरे बहुत कॉमन फ्रेंड्स हैं एंड वी प्ले क्रिकेट वंस टुगेदर बचपन में. एंड आफ्टर ऑल दिस इयर्स ऑफ कोर्स आई हैव वॉच्ड ऑल हिज फिल्म्स. एंड रॉकस्टार और बर्फी मेरी मैं इनको बता रहा था कि आफ्टर वॉचिंग हिज परफॉर्मेंसेज इन स्पेशली इन रॉकस्टार एंड बर्फी माई लाइफ चेंज अ लिटिल बिट. बिकॉज आई वॉज सो इंस्पायर्ड कि मैं अपने शो पे आऊँ और कुछ ऐसा काम करूँ जिससे मैं खुश हूँ. यू नो लोग तो खुश होते ही है वो अलग बात है, बट सो इज इंस्पायर्ड मी इन अ लॉट ऑफ वेज. सो थैंक यू रणबीर फॉर.